तो लास्ट वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस आया जिसमें मैंने बताया था कि स्पॉन्सरशिप तुम किस तरीके से ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने तीन तरीके बताए थे स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो, लेकिन काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि हम कितने फॉलोअर्स पे कितना स्पॉन्सरशिप का चार्ज कर सकते हैं ब्रांड से। तो उसके लिए मैंने बोला था कि कॉमेंट कर देना, तो उस वाली वीडियो पे 230 कॉमेंट आ गए जिनमें से 157 कॉमेंट में ये लिखा था कि भाई वीडियो लेकर आओ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, और इसी बात पर हम बात करेंगे कि स्पॉन्सरशिप का तुम्हारा कितना चार्ज करना चाहिए ब्रांड से या फिर किसी अदर बंदे से, प्रमोशन का कितना चार्ज करना चाहिए। तो अब चाहे तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कितने भी फॉलोअर्स हैं, वो 500 हो, 5000 या फिर 5 लाख, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना जिससे तुम्हारे को इन फ्यूचर या फिर तुम अभी से भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स है तब भी तुम स्पॉन्सरशिप किस तरीके से ले सकते हो ब्रांड से, किस तरीके से मेल भेजना है, किस तरीके से ब्रांड से बात करनी है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, A to Z सारा कुछ बताया था। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, जाकर चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। इंस्टाग्राम की पोस्ट का कितना चार्ज करना है, स्टोरी का कितना चार्ज करना है और इंस्टाग्राम की रील का कितना चार्ज करना है, और साथ में बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे तुम ब्रांड से बात करके तुम अपने जो स्पॉन्सरशिप के चार्ज है उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे भी तुम्हारे बता दूं दो तरीके के प्रमोशन होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रमोशन और एक होता है ब्रांड प्रमोशन। अब तुम्हारे को नाम से पता चल रहा होगा कि ब्रांड प्रमोशन तुम्हारे को ज्यादा पैसा देगा और नॉर्मल प्रमोशन तुम्हारे को थोड़ा कम पैसा देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्टाग्राम की पोस्ट का तुम्हारे को कितना चार्ज करना चाहिए। तो पोस्ट का मैं तुम्हारे को बता दूं, पोस्ट का जो चार्ज डिपेंड करता है वो करता है तुम्हारी पोस्ट पे जो रीच आ रही है उस पे, तुम्हारे जो एवरेज लाइक आ रहे हैं लास्ट के 5 से लेकर 10 जो फोटोज है जो तुमने पोस्ट कर रखी लास्ट अपनी। अपने अकाउंट पे विजिट करो, साइड में तुम देखोगे कि यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, यहाँ की 10 फोटोज देखो या 5 भी देख सकते हो, 10 भी देख सकते हो। 10 फोटोज पे देखो कि तुम्हारे एवरेज लाइक कितने क्रॉस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे एवरेज 10,000 लाइक मेरे आराम से क्रॉस हो जाते हैं, यानी कि मेरे जो पोस्ट का मेरे अकाउंट पे मेरे इस अकाउंट का जो एवरेज लाइक है वो है 10,000 प्लस लाइक। तो यहाँ पे मैं तुम्हारे को एक रफ आइडिया देता हूँ सीधा सीधा जिससे तुम्हारे को आसानी से तुम अपने अकाउंट के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मान लो तुम्हारे अकाउंट पे जो एवरेज लाइक आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिर्फ 1000 लाइक आ रहे, तो तुम आराम से ब्रांड से या फिर तुम्हारे पास जो भी प्रमोशन आ रहा है तो उस पर तुम 500 से लेकर 600 रुपए चार्ज कर सकते हो सिर्फ एक पोस्ट का। तो जैसे मेरे जो एवरेज लाइक थे जैसे 10,000, तो यानी कि मैं 4 से लेकर 5,000 चार्ज कर सकता हूँ सिर्फ एक पोस्ट डालने का। और इसके साथ में मैं तुम्हारे को एक बात और बता दूं, ये जो चार्ज है वो सिर्फ एक पोस्ट का है, एक पोस्टर। मान लो कोई ब्रांड तुम्हारे को कोई पोस्टर या कुछ भी उसका पर्सनल कुछ प्रमोट करने के लिए तुम्हारे को कोई फोटो देता है, कोई पोस्टर देता है, उसको एज इट इज तुम्हारे को सिर्फ वहां से उठाकर अपने अकाउंट पे पोस्ट करना है बस। तुम्हारी वहां पे ना कोई एडिटिंग लगेगी, ना कोई फोटो एडिटिंग, कुछ तुम्हारे को नहीं करना, वहां तुम्हारे को सीधा उसको पोस्ट करना है, ये सिर्फ उसका चार्ज है। अगर तुम्हारे को ब्रांड बोलता है कि तुम उसको खुद क्रिएट करो, खुद इसको एडिट करो, तो वहां पर तुम अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग वहां पर 500 या 1000 रुपए उस चार्ज के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे 10,000 का आ रहा है, मतलब 5-6,000 रुपए मैं चार्ज कर सकता हूँ। अगर वहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 1000 या 500 रुपए ऐड कर दूंगा, तो वहां से 5,000 से वो सीधा हो जाएगा 6,000 रुपए एक पोस्ट का। तो इसके बाद में नंबर 2 पे बात करते हैं स्टोरी प्रमोशन। तो स्टोरी प्रमोशन का खेल बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर तुम्हारे कितने भी फॉलोवर्स हो वो मायने बिल्कुल भी नहीं रखते, यहाँ पे मायने रखते हैं तुम्हारे स्टोरी व्यूज, कितने लोग तुम्हारी स्टोरी को देख रहे हैं उसी से तुम्हारे को प्रमोशन मिलने वाला है। अगर तुम्हारे ज्यादा स्टोरी व्यूज आ रहे तो ब्रांड तुम्हारे को ज्यादा पैसा दे देगा, और अगर तुम्हारे कम स्टोरी व्यूज आ रहे, अगर तुम्हारे फॉलोवर ज्यादा भी है, जैसे अभी मेरा बता दूं मेरे भी एवरेज व्यूज वो बहुत कम आ रहे हैं, जैसे मेरे आ रहे 8,000, 9,000, कभी कभी 10,000 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी 7,000 भी हो जाते हैं, तो कम ज्यादा चलता रहता है, लेकिन मेरे भी काफी कम है। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि तुम्हारे स्टोरी पे व्यूज आ रहे हैं वो आते हैं सिर्फ 1,000 तुम्हारे स्टोरी व्यूज आ रहे हैं एक दिन का, तो तुम आराम से कोई भी ब्रांड से, जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था जहां पे तुम्हारे कुछ खुद से क्रिएट नहीं करना, वहां से तुम आराम से 400 से 500 रुपए एक स्टोरी डालने का चार्ज कर सकते हो। क्योंकि स्टोरी पे जो है एक्टिव यूजर्स होते हैं, अगर मान लो मेरे भी फॉलोअर्स यहाँ पे 1.5 लाख है और मेरे स्टोरी व्यूज सिर्फ इतने आ रहे हैं, तो यानी कि मेरे जो ये ऑडियंस है वही मेरी एक्टिव ऑडियंस है, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोग अकाउंट बना के भूल जाते हैं, काफी लोग एक्टिव नहीं रहते। और अगर मान लो जैसे मेरे 8,000 स्टोरी व्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आराम से 4 से 5,000 रुपए एक स्टोरी डालने का चार्ज कर लेता हूँ। तो ये भी जो है वही नॉर्मल प्रमोशन है, ये जो स्टोरी का, बस तुम्हारे को एक पोस्टर, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे तुम्हारे को पोस्टर या कोई भी कोई वीडियो तुम्हारे को स्टोरी पर डलवाना है किसी ब्रांड को, तो उससे तुम स्टोरी या वीडियो लोगे, फोटो या वीडियो, और उसको अपनी स्टोरी पर लगा दोगे और उनको मेंशन कर दोगे, बस इतना तुम्हारे को करना है और तुम्हारे को इतना चार्ज करना है। लेकिन कई स्टोरीज ऐसी होती है जहाँ पर तुम्हारे को खुद से बोलना पड़ता है, जैसे तुमने मेरे को बहुत बार देखा होगा काफी सारे पोस्टर तुम खुद एडिट करते हो और काफी सारी रील तुम्हारे को बोलकर स्टोरी डालनी होती है, वहां पर पड़ती है कि इनको फॉलो करो, इनका पेज है, इनकी वेबसाइट है। तरीके से काफी सारे जो प्रमोशन आते हैं वो काफी लोग बोलते हैं कि तुम हमारी जो वेबसाइट है उसका जो है बोलकर प्रमोशन करो, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा चार्ज तुम कर सकते हो एक स्टोरी का।
उनको तुमको कन्विंस करना है कि भाई मेरा लाइटिंग लगेगा, शूट लगेगा, मेरे को एडिट भी करना है। अब इसके बाद नंबर 3 पे आता है रील्स प्रमोशन। तो भाई रील्स का जो होता है उस पे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तुम वीडियो क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि एक पोस्ट से बहुत कम ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, लेकिन एक वीडियो से अगर तुम बोलकर अट्रैक्ट करवा रहे हो वहाँ पे काफी ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट करती है। तो रील्स का भी सिस्टम ये रहता है कि तुम्हारे तुम्हारी लास्ट की 5 रील है उनका एवरेज लाइक चेक करने, एवरेज व्यूज चेक करने कि कितने तुम्हारे लाइक और व्यूज आ रहे हैं। मेन तुम्हारे व्यूज पे टारगेट रहता है। अगर मान लो तुम्हारे एवरेज व्यूज 10,000 से ऊपर है, अगर तुम्हारे 10,000 एवरेज व्यूज आ रहे हैं तुम्हारी लास्ट की 5 रील के अंदर, तब तुम ब्रांड से आराम से 2,000 से 3,000 रुपए चार्ज कर सकते हो एक रील अपलोड करने का। और अगर मान लो कि तुम्हारे एवरेज व्यूज 50,000 से ऊपर है, जैसे मेरे यहाँ पर 50,000 एवरेज व्यूज आराम से आ जाते हैं, ज्यादा भी आते हैं थोड़े बहुत कम भी होते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 50,000 का है, तो यहाँ पर मैं 5,000 से 6,000 रुपए चार्ज कर सकता हूँ सिर्फ एक रील अपलोड करने का। और अगर तुम्हारे 1,00,000 व्यूज आ रहे हैं तो तुम आराम से 15,000 से 25,000 तक चार्ज कर सकते हो सिर्फ एक रील को अपलोड करने का। काफी लोगों को ये भी होगा कि कोलैबोरेशन करने का हम कितना चार्ज कर सकते हैं। तो देखो कोलैबोरेशन का तुम थोड़ा ज्यादा चार्ज करो, जैसे मैं यहाँ से 5,000 से 6,000 रुपए नॉर्मल रील का ले रहा हूँ, तो अगर तुम कोलैबोरेशन कर रहे हो तो मैं कोलैबोरेशन का मैं जो चार्ज करता हूँ वो करता हूँ 7 to 8K, 7,000 से 8,000 रुपए तुम एक रील कोलैबोरेट करके सामने ब्रांड के साथ या फिर किसी बंदे के साथ तुम चार्ज कर सकते हो, या कोई बंदा भी करवा सकता है तुम्हारे साथ कोलैबोरेट ताकि उनका भी अकाउंट ग्रो हो सके। और ब्रांड इसलिए करवाता ताकि जो तुम्हारी ऑडियंस है वो ब्रांड के पास जाएगी। अब इसके साथ में भाई तुम जो ये मैंने नॉर्मल रील का बताया, अगर तुम्हारे को यहाँ पे खुद क्रिएट करना है, खुद बोल के कुछ करना है या फिर तुम्हारे को, तो उसका तुम चार्ज ऐड कर सकते हो अपनी रील के साथ, क्योंकि वीडियो में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस चक्कर में तुम अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग चार्ज ऐड कर सकते हो पर वीडियो का 1,000, 2,000, 3,000 तक भी। तुम्हारी यहाँ पे ब्रांड वैल्यू भी देखी जाती है कि तुम कैसा वर्क करते हो अपने अकाउंट पर, किस तरीके से तुम्हारी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो तुम, किस तरीके तुम्हारी ऑडियो वीडियो मतलब A to Z सब चीज़ ब्रांड देखता है, उसके बाद भी तुम्हारे को चार्ज पे करने को रेडी होता है। तुम लोगों को थोड़ा कन्विंस करना है तो ब्रांड थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करता है, कोई भी तुम्हारे को जितना मांगेगा उतना चार्ज कभी नहीं देगा, बहुत कम रेयर चांस होता है। जहां पे अगर मान लो तुम एक वीडियो को 10,000 मांग रहे हो तो वो 10,000 तुम्हारे को दे देगा। मेरे साथ कभी कभी हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो होता है अगर मैं 10 बता रहा हूं तो वो थोड़ा बार्गेनिंग करके थोड़ा कम बता देता है कि आप जो है 8 में कर दो, 7 में कर दो, बाकी कोई कितने में कर रहा है। तो तुम लोगों को उन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग चलता है लेकिन ज्यादा मत करना, अपनी वैल्यू को समझना उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन को एक्सेप्ट करना। अब देखो प्रमोशन बहुत तरीके से तुम्हारे पास आ सकते हैं, तुम्हारे डीएम्स में आते हैं, तुम्हारे टेलीग्राम्स में भी आते हैं। जैसे आजकल तुम देख रहे होगे कि डील्स वाला जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, और मैंने भी मेरा जब न्यू अकाउंट क्रिएट किया तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्रमोशन आने लग गए थे, जो कि टेलीग्राम ग्रुप्स हो गया, किसी का कोई प्रमोशन करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शुरू में मैंने बताया था कि तुम ब्रांड से कैसे ज्यादा चार्ज कर सकते हो, तो ज्यादा चार्ज करने के लिए तुम जो है एक ट्रिक अपना सकते हो। जैसे टेलीग्राम के जो प्रमोशन होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रांड तुम्हारे को या फिर कोई डीएम तुम्हारे पास आता है या मेल आता है, वो तुम्हारे को बोलते हैं कि तुमको हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है प्रमोट करना है। तुम्हारे को सैंपल वीडियो भेजा जाता है, तुम्हारे को एज इट इज वैसा बनाना पड़ता है, या फिर तुम्हारे को स्क्रिप्ट दी जाती है, वो तुम्हारे को बोलकर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना पड़ता है और फिर उनको टैग करना पड़ता है, इस तरीके से जो तुम प्रमोशन कर सकते हो। लेकिन टेलीग्राम पे क्या होता है, तुम्हारे को रील अपलोड करनी पड़ती है, एक स्टोरी डालनी पड़ती है 24 hours की, और तुम्हारा लिंक इन बायो, जैसे तुम्हारे बायो में तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा लिंक लगा हुआ है, तो वहाँ पे तुम लोगों को उस ब्रांड के पेज का जो है लिंक लगाना पड़ता है, जिससे कोई भी तुम्हारी प्रोफाइल विजिट कर रहा है। जैसे तुम मेरे भी अकाउंट पे प्रोफाइल विजिट दे सकते हो लास्ट 30 days का, तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 1,00,000 लोग प्रोफाइल भी विजिट करते हैं मेरे अकाउंट पर लास्ट 30 days के अंदर, और इतने लोग यहाँ पर वेबसाइट पर टैप करते हैं, तो इससे काफी ज्यादा लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं और वो लिंक पे टैप करके उनके चैनल पे जाके ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर एक पूरा कॉम्बो हो जाता है। तो तुम भी किसी ब्रांड को जब वो करो तो तुम उनको कॉम्बो के लिए बोल सकते हो कि मैं तुम्हारा जो है लिंक भी लगा दूंगा तुम्हारी वेबसाइट का, और प्लस तुम्हारा अगर तुम वो सिर्फ रील के लिए बोल रहा है या फिर सिर्फ एक पोस्ट के लिए बोल रहा है, अगर तुम्हारी बात वहाँ पे 3,000 में हुई है तो तुम उसको बोलो कि आप मेरे को जो है आप मेरे को 4,000 दे दो, मैं आपका एक स्टोरी भी डाल दूंगा, साथ में आपका 7 days तक आपका लिंक इन बायो भी डाल के रखूंगा अपने अकाउंट पर, और वहां पे तुम स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, अपने अकाउंट की रीच शेयर कर सकते हो, इससे भी काफी फर्क पड़ता है, इससे ब्रांड तुम्हारे को अच्छा पैसा दे सकता है। तो जैसा मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में 2 तरह के प्रमोशन होते हैं, नॉर्मल प्रमोशन और एक होता है ब्रांड प्रमोशन। तो नॉर्मल प्रमोशन तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे इंस्टा के डीएम्स में जो मैसेज आते हैं कि भाई मेरा प्रमोट कर दो, मेरा काफी लोग जो सॉन्ग के लिए बोलते हैं, अभी मेरे पास एक सॉन्ग का आया है जिसमें भी तुम्हारे को ये रहता है, वो भी एक तरीके से नॉर्मल प्रमोशन है। उनको सबसे पहले देखना है कि उसके चैनल की क्या हालत है, अगर उसके 1,00,000 में सब्सक्राइबर है यानी कि वो अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहा है और उससे उसको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है,
वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चार्ज तुम कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोग ऐसे आएंगे जो ऐसे किसी का कोई कैफे है, किसी का कोई वेबसाइट है नॉर्मल सा, जिसका तुम्हारे को सिर्फ एक स्टोरी लगानी है या फिर एक पोस्टर लगाना है, तो वो सब नॉर्मल प्रमोशन होते हैं। कोई ट्रेडिंग का हो गया, कोई गेमिंग का, इस तरीके से काफ़ी सारे आते हैं आजकल। तो उनको जो नॉर्मल प्रमोशन होता है वहाँ पे तुम ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हारे को ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे सेम जितने फॉलोअर्स तुम्हारे ऑलमोस्ट, जैसे मान लो कि मेरे अभी 1.5 लाख है, मैं मान लो मैं ब्रांड से चार्ज कर रहा हूँ 8,000 रुपये एक वीडियो का, या 10,000 रुपये राउंड फिगर तुम एक वीडियो का मान लो, लेकिन सेम मेरे फॉलोअर्स जितना ही बंदा वही काम को 500 में भी कर रहा है, तो वो बंदा जो ब्रांड है वो उसके पास चला जाएगा। तो इसलिए कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को उनकी वैल्यू नहीं पता कि उनको कितना चार्ज करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा जो कि काफ़ी सस्ते में प्रमोशन कर देते हैं, स्टोरी प्रमोशन कर देते हैं 200-300 रुपये में, 500 रुपये के अंदर। तो नॉर्मल प्रमोशन और ब्रांड प्रमोशन का तुम्हारे को वैसे आइडिया हो जाएगा अगर तुम सबसे पहले तुम लोगों को जो भी जिस भी ब्रांड से बात कर रहे हो तो उसका तुम्हारे को मेल आता है या DM आता है, तो उसको तुमको WhatsApp पे बुलाना या फिर तुम वहाँ पे भी बात कर सकते हो, पर WhatsApp पे लेके आओगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बात होती है, डील जो है फिक्स हो जाती है एक तरीके से। ओके, WhatsApp पे लेके आओ, उसके बाद में उनकी वेबसाइट का लिंक मांगो कि क्या है, क्या क्यों करना है, देखो कि वो सही है या गलत है, ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ज बताओ। तो गाइज, आई मेक श्योर तुमको समझ में आ गया होगा कि ब्रांड या फिर किसी बंदे से या फिर नॉर्मल प्रमोशन और ब्रांड प्रमोशन में कितना कितना तुम्हारे को चार्ज करना है, मैं तुम्हारे को आइडिया बता दिया है। बाकी तुम अपने अकाउंट की इंगेजमेंट देख के, सब कुछ देख के, कितने फॉलोअर्स है, कितनी रीच आ रही है, कितना क्या तुम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो सब देख कर तुम जो है ब्रांड को चार्ज बता सकते हो। तो इसीलिए क्वालिटी कॉन्टेंट हमेशा पोस्ट करो, जिससे तुम आगे जाकर अच्छा अमाउंट चार्ज कर सको ब्रांड से। और लास्ट में मैं तुम्हारे को ये बताना चाहूंगा कि एकदम से तुम ऐसा नहीं कि कोई पोस्ट कोई प्रमोशन कर रहे हो उसका तुम्हारे को एक ही पोस्ट का लाखों रुपए चार्ज मिलने लग जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। सब जो है जीरो से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अकाउंट ग्रो होता है, तो धीरे धीरे प्रमोशन मिलना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे अर्निंग होना स्टार्ट होती है। तो जैसे तुम स्टार्टिंग में जो तुम्हारे कम फॉलोवर्स हो, तुम 500 से स्टार्ट करोगे, फिर तुम 1,000 लोगे, फिर 10,000, फिर 50, फिर 1,00,000, मतलब इस तरीके से ये जो है बढ़ता रहेगा अगर तुम अच्छा वर्क अपने अकाउंट पे करते रहोगे। तो तुम्हारे अकाउंट के फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे, तुम्हारे अकाउंट की रीच इंक्रीज होगी, तो तुम्हारे को आगे से ही बहुत सारे मेल्स आएंगे, तुम्हारे स्पॉन्सरशिप की कभी नहीं होगी। तो लास्ट वीडियो अगर तुमने नहीं देखा कि स्पॉन्सरशिप किस तरीके से मिलेगी, ब्रांड से कैसे कनेक्ट करना है, और सिर्फ 1,000 फॉलोवर्स भी अगर तुम्हारे हैं फिर भी तुम ब्रांड स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखो और तुम्हारे को स्पॉन्सरशिप का A to Z सारा पता चल जाएगा। जल्दी जाओ इस वीडियो को चेक करो।